Hey guys, welcome back to our last vlog. आज मैं अपने मेकअप दिखाने जा रही हूँ बर्थडे का. तो सबसे पहले तो मैंने अपने फेस पे काशिस की बेस लगाई, क्योंकि मुझे काशिस की बेस ज़्यादा अच्छी लगती थी अपने फेस पे. उस दिन बर्थडे था तो मैंने इसलिए वो वाली बेस अप्लाई करी. तो फिर मैंने उसके बाद मुझे किसी बेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि वही काफ़ी थी मेरे फेस के कलर के हिसाब से, उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बेस की. तो मैंने पहले अपने हाथ पे मैंने ली थी थोड़ी सी बेस, और उसके बाद अपने फिंगर से अपने फेस पे लगाना शुरू किया था. मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कह दूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी. और मैंने डे लाइट में बनाया था, इसलिए भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ थी. फिर मैंने पफ लिया था और उससे अपने बेस को अप्लाई किया था अपने फेस से. मैंने पफ को थोड़ा सा गीला कर लिया था ताकि वो सही से हो जाए. फिर मैंने अपने लिप्स पे ये लिप बाम लगाया था ताकि मेरे होंठ ड्राई, और जब मैं लिपस्टिक लगाऊं तो मेरे होंठ ख़राब ना हो या लिपस्टिक मेरी फटी फटी सी ना लगे, इसलिए मैंने ये लगा ली थी. और फिर उसके बाद मैंने अपना फेस पाउडर लगाया था ग्लैमरस का, वो मैंने पफ से नहीं लगाया था क्योंकि पफ से वो सही से लग नहीं रहा था. तो मैंने ब्रश से लगाया था ताकि स्किन पे ये सही से अप्लाई हो जाए. और मैंने आप लोगों को सारी प्रोडक्ट दिखाई भी है. अगर आप लोगों को कोई देखने में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि मैं लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम है मुझे. जब मैंने ये कर लिया उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो को कलर देने के लिए शेड लिया था. मैंने ब्लैक और ब्राउन थे दो, तो मैंने ब्राउन लिया था क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता. फिर शेप देने के बाद मैंने अपने चीक्स को कंटूर किया था, और ये कंटूर भी मैंने ब्रश से किया था. ब्रश आप लोग देख लेगा जो जिससे आपको इजी हो आप उससे कर सकते हैं. मैंने दो ब्राउन लिए थे, एक लाइट ब्राउन था और एक डार्क ब्राउन था, ताकि दोनों मेरे फेस पे नॉर्मल लगे. डार्क लेती तो ज़्यादा हो जाता और लाइट लेती तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने दोनों शेड्स ले लिए थे. फिर उसके बाद मैंने अपने नोज़ को कंट्रोल करने के लिए पतला वाला जो ब्रश था जिससे मैंने अपनी सॉकेट लाइन बनाई थी आईज़ की, उससे मैंने अपने नोज़ को कंट्रोल किया था क्योंकि वो ब्रश बहुत मोटा था, मेरे नोज़ से नहीं आता. फिर मैंने अपने चीक्स को पिंक करने के लिए दो पिंक कलर लिए थे, एक पीच कलर था और एक शॉकिंग पिंक सा कुछ था, वो मैंने लिया था. आप कलर देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो मेकअप जब, अगर आप लोगों को इस तरह करना हो तो. फिर उसके बाद मैंने अपने आई शेड को सॉकेट लाइन बनाई थी लाइट पिंक से करके, और ब्राउन दो कलर लिए थे, और उससे मैंने अपने आईज़ बनाई थी जिससे मेरी आईज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब पिंक हो रही थी ज़्यादा ब्राउन नहीं हो रही थी. फिर उसके बाद मैंने अपने जिससे कंट्रोल किया था उसी के ही दो ब्राउन कलर लिए थे, क्योंकि पिंक बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है मेकअप, तो आईज़ मुझे ज़्यादा डार्क पसंद है, तो मैंने इसलिए ब्राउन कलर से भी करा था. फिर मैंने वो पिंक शेड लिया जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, और वो फिर मैंने अपने आईबॉल की तरफ लगाया. मैंने पूरा वो नहीं करा था ब्राउन कलर ताकि वो पूरा ब्राउन ना हो, क्योंकि मैंने उस दिन वाइट कलर पहने थे, वाइट की थीम थी, तो इसलिए मैंने पिंक की टोन में मेकअप किया था. फिर मैंने ये इसमें से शिमर की आई किट जो थी उसमें से मैंने पिंक कलर लिया था, शिमर मतलब ग्लिटर में था आई का, तो वो मैंने लगाया था. रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं आपको फिर एंड में मैंने अपना पूरा मेकअप भी दिखाया था सही से, तो आप उसमें भी देख लेगा अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो. फिर मैंने गोल्डन कलर लिया था अपने ये इनर लाइन जो होती है आईज़ की उधर लगाने के लिए, इनर कॉर्नर कहते हैं आई थिंक. फिर वो जब मैंने लेंस पहले ही लगा ली थी, क्योंकि अगर मैं लेंस दिखा के लगाती तो मेरी आईज़ में भी बहुत प्रॉब्लम होती और मुझे फिर ड्रॉप्स भी डालने थे, इसलिए मैंने पहले ही लेंस लगा लिए थे, ग्रे लेंस लगाए थे मैंने वाइट की थीम में इसलिए. और फिर मैंने ब्राउन और ब्लैक से अपने नीचे ये जो मेरी आईज़ का था मैंने उसको ब्लैक और ब्राउन से दिया था, क्योंकि मुझे डार्क पसंद था तो इसलिए मैंने ब्लैक और ब्राउन दिया था. मैंने पूरी नीचे से लाइन को ब्लैक नहीं दिया था, मैंने सिर्फ कॉर्नर से किया था ताकि मेरा जो पिंक मेकअप है उसमें थोड़ा सा ब्लैक के टच भी आ जाए,
फिर उसके बाद मैंने अपना लिपस्टिक का लगाने का सोचा था, मुझे शेड समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले रेड से अपना हल्का सा पिंक करने की कोशिश की थी होठों को, ताकि जब मैं पिंक लिपस्टिक लगाऊं तो मुझे उसमें ज़्यादा रेड या पिंक या लाइट पिंक इस तरह की टोन ना दिखे। मैंने पहले हल्का सा रेड करने के बाद पिंक लिप फिक्सर लिया था हुदा ब्यूटी का, और मैंने उसके बाद अपने लिप्स को उसी से कवर किया था। हवा की वजह से बाल बहुत तंग कर रहे थे मुझे। अब मैंने पहले लगाया था तो वो थोड़ा लाइट लग रहा था, फिर मैंने दूसरी दफ़ा लगाया था ताकि दो दफ़ा शेड लगाने के बाद वो डार्क हो जाए। अगर आप लोगों को लाइट पसंद है तो आप लोग लाइट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे डार्क पसंद था इसलिए मैंने डार्क लगाया। उसके बाद मुझे अपने चीक्स को हाईलाइट करना था, तो इसके लिए मैंने पिंक और येलो सा कुछ हाईलाइट था, गोल्डन मैंने वो लिया था, और मैंने ब्रश की मदद से अपने चीक्स को हाईलाइट किया था। रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसकी स्क्रीन के बिल्कुल करीब आके आप लोगों को दिखा सकूं। फिर मुझे लगाना था अपने लैशेस के लिए क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई, मस्कारा। हाँ, मस्कारा लगाया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा था क्या कहते हैं उसको। और आंखों में काजल लगाया था। अब की बार मैंने वाइट पेंसिल नहीं लगाई थी बिकॉज़ मुझे ब्लैक कुछ चाहिए था। मैंने बहुत दिनों बाद काजल लगाया था तो मुझे काजल पसंद आया, इसलिए मैंने वो लगा लिया। मैंने बहुत पतले ब्रश से लगाया था ताकि मेरी आईज़ के जो नीचे मैंने अपना ब्राउन और ब्लैक दिया वो ख़राब ना हो। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। सो ये मेरी मेकअप वीडियो, उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू।